जिले में जमीनी विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और इन्हीं विवादों में न जाने कितने लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। ऐसा ही एक मामला निकलकर सामने आया है जिले के बांदी थाना क्षेत्र के ग्राम आगासी से, जहां खेतिहर भूमि पर कब्जा को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत व चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज सागर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। वहीं इस हत्या और मारपीट के मामले में जिला पुलिस बल का एक एसआई भी शामिल है, जिन पर सागर पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्रवाई की गई है। ग्राम आगासी थाना बांदी के अंतर्गत उसमें जमीन पे को लेकर जो है दो पक्षों में विवाद हो गया था, एक धोबी पक्ष और एक यादव पक्षों में, और यादव पक्ष घायल हो गया था जो सीधे यहाँ सागर बीएमसी अस्पताल आ गए थे, जिनमें एक व्यक्ति की दौरान इलाज जो है मौत हो गई है, उसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार सागर से धोबी परिवार बखंडी करने गया हुआ था, तभी यादव परिवार द्वारा इन्हें रोका गया और देखते ही देखते विवाद इतना बड़ा कि दुबे परिवार के लोगों ने यादव परिवार के लोगों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति की इलाज के लिए जाते वक्त मौत हो गई, तो वहीं गंभीर रूप से घायल दो महिलाओं सहित एक व्यक्ति का इलाज अभी भी बीएमसी में चल रहा है। सर, बांद्री वाले मामले में क्या सामने आया था? ये आरोपी गिरफ्तारी बताई। हाँ, कल बांद्री में बांद्री थाना अंतर्गत भूमि विवाद को लेके दुबे परिवार और यादव परिवार के बीच में झगड़ा हुआ है और इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है और दुबे परिवार की तरफ से इसमें चार लोग आरोपी बनाए गए हैं। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और मूलतः यह विवाद दान में दी गई जमीन है उसको लेके है, जिसमें दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है और साथ ही हमारा प्रयास है कि जो आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द। कोई पुलिसकर्मी है इसमें? हाँ, इसमें जो एक नाम आया है लक्ष्मण दुबे का, वो वर्तमान में पीटीएस मकरोनिया में एएसआई के पद पर पदस्थ। अब देखना होगा कि इस मामले में सागर पुलिस अधीक्षक द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। अथर्व न्यूज़ के लिए संजय तिवारी की रिपोर्ट।